सब्सक्राइब कीजिए साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आप कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। हेलो फ्रेंड्स, साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो वीडियो मैं आप लोगों के सामने मैं रखने जा रहा हूँ वो पाइथन से रिलेटेड है। पाइथन का एक्चुअली ये फर्स्ट क्लास है, फर्स्ट वीडियो है। सबसे पहले मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि आप लोग पाइथन डाउनलोड कैसे करेंगे। देखिए, बहुत आसान सी उपाय है। सबसे पहले जो है आप कोई ब्राउज़र खोल लें और यहाँ लिखें पाइथन डाउनलोड। ये आपके सामने पाइथन का ये ORG जो वेबसाइट है ये आ गया। अब यहाँ देखिए ये डाउनलोड पाइथन यहाँ दे रहा है, आप इसको डाउनलोड करें। ये डाउनलोड होना शुरू हो गया। यहाँ डबल क्लिक करके हम लोग इसको रन कर लेते हैं। ये आपका नेक्स्ट इंस्टॉल। ऑटोमेटिकली जैसा ही आप ये करेंगे आप पाएंगे कि सी ड्राइव में, यहाँ आप देखें सी ड्राइव में, अगर अभी आप यहाँ DIR करके देखते हैं तो देखिए यहाँ कहीं पर आपका ये पाइथन नाम का एक फोल्डर बन गया। अभी आप ध्यान से अगर देखिए, मैं CD करके पाइथन नाम के फोल्डर में जा रहा हूँ और यहाँ पे मैंने DIR किया। ये मैंने एक फाइल अब मैं बनाता हूँ edit abc.py। पाइथन का के फाइल का जो एक्सटेंशन होगा वो py होगा। चलिए इसको मैं नोटपैड में ओपन कर ले रहा हूँ। अब जैसे देखिए यहाँ मैंने बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, यहाँ मैंने लिखा x नाम का एक वेरिएबल है, इसमें मैंने रखा साइबोटेक कंप्यूटर एजुकेशन, या चलिए मैं इसको दे रहा हूँ साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप, कंट्रोल S, या फाइल में जाके मैंने सेव कर लिया। अब आप प्रिंट करते हैं x को, प्रिंट करते हैं x डॉट स्ट्रिप को। याद रखिएगा स्ट्रिप जो फंक्शन है वो x में वैल्यू जो साइबोटेक एजुकेशन ग्रुप है यहाँ पर स्पेस जो है इसको हटा देगा स्ट्रिप फंक्शन, और ये ग्रुप के बाद जो स्पेस है यहाँ पे इसको हटा देगा। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ पाइथन और फाइल का नाम मेरा abc.py है। ये देखिए पहला आउटपुट जो आया, मैं एक सोर्स कोड भी यहाँ पे खोल दे रहा हूँ abc.py। ये जो पहला आउटपुट आपका आ रहा है ये प्रिंट x जब आपने किया तो विथ स्पेस ये चीज़ आ रहा है, जबकि दूसरे लाइन का आउटपुट जो है वो स्पेस के बिना है। तो आप यहाँ आउटपुट में साफ साफ देख सकते हैं कि जो पहला लाइन का आउटपुट है उसमें आगे भी स्पेस है, पीछे का स्पेस तो खैर आपको पता नहीं चलेगा ये, लेकिन यहाँ पीछे भी स्पेस है। और इसमें देखिए साफ साफ ये झलक रहा है कि आगे का स्पेस यहाँ पर नहीं है। क्या अगर सपोज मैंने ए में 10 रखा, बी में 7 रखा और मैंने किया प्रिंट ए को और मैंने प्रिंट किया बी को, बहुत सिंपल सा एक एग्जांपल है जो आसानी समझ में आ जाए। सेव करने के बाद मैंने लिखा पाइथन abc.py, बिल्कुल 10 और 7 आ गया। कितना आसान है। कोई भी लैंग्वेज आप पढ़े हुए हैं तो आपने पढ़ा होगा वहाँ पे कि वेरिएबल यहाँ तो डिक्लेयर भी नहीं करना है, किसी ढंग का कुछ सेमी कोलोन या इस ढंग का कुछ भी नहीं है। अगर सपोज कि मैंने यहाँ पे लिखा a+b, कंट्रोल s, क्या अब मैं पाइथन abc.py लिखूँ तो क्या आएगा? बिल्कुल प्लस से एडिशन आ रहा है, देखिए आप देख सकते हैं।
यहाँ पे पहला जो लाइन है लिखा हुआ, प्रिंट मैंने किया है ए के वैल्यू को, तो यहाँ आउटपुट में ए में चूंकि 10 है 10 प्रिंट हुआ। दूसरे लाइन में मैंने प्रिंट किया है बी के वैल्यू को, चूंकि बी में 7 है इसीलिए 7 प्रिंट हुआ। तीसरे लाइन में मैंने ए और बी के वैल्यू को आपस में ऐड करके प्रिंट किया है जो कि 10 और 7 है, तो 10 और 7 जब ऐड हुआ तो 17 17 आ गया। मैं अब यहाँ पे फिर से कुछ चेंज करता हूँ, मैं यहाँ पे ए माइनस बी करता हूँ, ए गुना बी करता हूँ, ए बाई बी करता हूँ। जरा देखता हूँ फिर इसे रन करवा के इसे कि क्या हो रहा है। पाइथन abc.py, बिल्कुल सही आ रहा है। चलिए कुछ और चेंजेस, कुछ नया सीखने को मिलेगा। ए परसेंट बी, क्या मॉडुलस ऑपरेटर यहाँ काम करता है? सेव करने के बाद मैंने रन करवाया, बिल्कुल काम करता है। साथ में अगर आप 10 से भाग लगाएंगे एक मर्तबा में लगेगा और रिमाइंडर आपका 3 आएगा। तो इस ढंग से मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ कि बेसिक्स जो होता है लैंग्वेज का वो कहीं इधर उधर नहीं होता है। जैसे मैं प्रिंट करवा रहा हूँ कि क्या ए ज़्यादा है बी से, तो अगर मैं देखता हूँ यहाँ बिल्कुल जी ट्रू कह रहा है। इसका मतलब है कि जो अरिथमेटिकल ऑपरेटर जैसे वहाँ काम करता था किसी और लैंग्वेज में जैसे काम करता है, वैसे ही यहाँ पे भी काम करता है। जरा ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, क्या नॉट इक्वल टू ऐसे काम करेगा? क्या इक्वलिटी ऑपरेटर ऐसे काम करेगा? मैं फिर से रन करवाता हूँ, जी सब कुछ काम कर रहा है। तो ये बेसिक है, कहीं ना कहीं जिन लोगों ने सी सी प्लस प्लस जावा ऐसा सब्जेक्ट पढ़ रखा है उनके लिए पाइथन सीखना बहुत ही आसान काम है। और मैं ये बताता चलूँ कि पाइथन जो है वो वेब डेवलपमेंट में काम आता है सर्वर साइड के स्क्रिप्ट को लिखने में। तो चूंकि ये पहला क्लास है, मैंने इस क्लास के इस वीडियो के ज़रिए पहले क्लास के इस वीडियो के ज़रिए ये बतलाने की कोशिश की है कि आप कैसे वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे आप अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं, कैसे आप लॉजिकल ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करें और लोगों तक पहुंचाएं ताकि और लोगों को भी फ़ायदा हो। इसके साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूं। मैं चाहूंगा कि ये वीडियो आप लोग शुरू से आखिर तक देखें। अभी पाइथन का और भी वीडियोस मैं पर डे एक वीडियो डालूंगा। ओके, थैंक्स अ लॉट। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।